ये रास्ता रास्ता कहाँ है रास्ता? वी आर इन नेपाल। ये देखो सामने क्या है। ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानेभंजन। अभी हम लोग मानेभंजन में, कल रात को मानेभंजन में स्टे था हम लोगों का। तो अगला वीडियो, पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, वीडियो देख लेना। तो आज हम लोग जाएंगे इधर से सांदाकफू के लिए, हमारा गाड़ी भी रिजर्व है। इधर से जाएगा एक 4x4 बुलेरो और एक जाएगा लैंड रोवर। टोटल 12 लोग हैं हम लोग। तो हम लोग का ये एक रूम है, इधर है 9 आदमी, ये 9 आदमी का डॉर्मेटरी रूम है। और इधर नीचे एक रूम है, इधर हम लोग है 3, टोटल 12 लोग हैं। और ये एक चेक पोस्ट है इधर मानेभंजन का, और ये हमारा होम स्टे, डुर्क होम स्टे एट मानेभंजन। और ये है विंटेज लैंड रोवर, ऐसे ही एक गाड़ी में हम लोग जाएंगे। तो पूरी दुनिया में अभी 200 लैंड रोवर है, जो फर्स्ट जनरेशन लैंड रोवर होता है वो, और उसमें 120 लैंड रोवर इधर है मानेभंजन में। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, नमस्ते, जय माता, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव स्टाइरी। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मानेभंजन, सॉरी सांदाकफू, और उधर से दिखेगा क्या एवरेस्ट। तो ये सौरभ अपना बाइक को ढक रहा है, इधर हमारा सब बाइक पार्किंग है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर है मेरा, वो बाद में दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग। और इधर 2 बाइक है, ये सुशोभन का FZX और ये मेरा पेंटॉर्क, इधर ढका हुआ है। और ये शंकुदा का CD100 विंटेज कलेक्शन, विंटेज कलेक्शन, एक दो विंटेज एक साथ मानेभंजन में, एक CD100 विंटेज कलेक्शन और एक वो लैंड रोवर कहाँ गया, चला गया अभी लैंड रोवर विंटेज कलेक्शन। और ये हमारा CD100 का राइडर शंकुदा। अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट करने लैंड रोवर एसोसिएशन में, फिर उधर से गाड़ी मिलेगा हम लोगों को। तो ये सबका डॉक्यूमेंट्स, इतना सारा 12 आदमी का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा अभी। तो चलो चलते हैं लैंड रोवर एसोसिएशन। अभी खड़े हैं बुकिंग पॉइंट के सामने, ये है सिंगालीला बुकिंग पॉइंट, ये है सिंगालीला लैंड रोवर बुकिंग पॉइंट। और इधर 85 गाड़ी का नंबर है, 85। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? सबसे बड़ा दिक्कत है गाड़ी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और ये है वो पॉइंट जिधर गाड़ी सब खड़ा रहता है, और इधर से जाएंगे हम लोग मानेभंजन की तरफ, सॉरी सांदाकफू की तरफ। इधर एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, दिक्कत तो बाद में बताएंगे, अभी इधर बैठे हैं, ये डॉक्यूमेंट सबका डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हैं। मोटा मोटी 2 घंटा और बैठना पड़ेगा इधर, फिर गाड़ी मिलेगा हम लोगों को। ये सब हम लोगों को पहले पता नहीं था, पूरा डिटेल्स मैं सांदाकफू पहुँच के बताऊँगा। अभी इधर शोर शराबा है, गाड़ी चल रहा है, तो समझ के रखो मैं अभी इधर अकेला बैठा हूँ, बाकी सबको बोला लगेज लेके आने के लिए, क्योंकि गाड़ी आएगा तो निकलना पड़ेगा। 15 गाड़ी जाता है डायरेक्ट, बाद में की डिटेल्स पूरा बाद में बताएंगे। बहुत झमेला है इधर, बहुत झमेला। जो डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बोलूँगा वो और यूट्यूब में शायद किसी वीडियो में दिया नहीं हुआ है, किसी वीडियो में बोला नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। सब वीडियो देख के आते हैं, इधर जाके फंस जाते हैं। तो पूरा डिटेल्स मैं आज दूंगा, वीडियो पूरा देखना। यहाँ से अभी हम लोग 1 कैरेट पानी ले लिया, क्योंकि ऊपर जाके पानी का क्राइसिस पड़ेगा, तो कौन महंगा देके खरीदेगा। तो इधर से ले लिया 1 कैरेट, पूरा पानी हो गया हम लोगों का। अभी कितना देर लगेगा गाड़ी आने में हम लोगों को पता नहीं, तो देखते हैं कब आता है, हम लोगों को पता चलेगा। मोटा मोटी करीब करीब 2 घंटा हो गया, अभी भी हम लोग गाड़ी नहीं मिला, अभी कभी मिलता है देखते हैं हम लोग। अब तक तो बैठे ही है इधर, क्या करें, कुछ नहीं करने का, कुछ काम नहीं है हम लोगों का। अभी हम लोगों का बुकिंग हो गया, यह है बुकिंग स्लिप। 11,000 रुपये लगेगा, 11,000 रुपये लगेगा 2 गाड़ी का। एक गाड़ी इधर आ गया, ये एक बुलेरो और एक गाड़ी आएगा, अभी तक नहीं आया, तो देखते हैं कब तक आते हैं। अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फिर जाएंगे सांदाकफू। चलो चलते हैं। तो हमारा गाड़ी छोड़ दिया सांदाकफू से, 2 बुलेरो है हम लोगों का, तो हम लोग इधर 6
और पीछे और एक गाड़ी आ रहा है उधर से। हाँ सब उठे पीछे। और अभी जा रहे हैं टेरा मेरा रास्ता से सांदगुफू की तरफ। और ये जो रास्ता है ना, मतलब खतरनाक रास्ता है, एकदम खतरनाक, बोल के समझा नहीं सकते हम लोग कितना खतरनाक रास्ता है, कितना स्टीप है ये रोड, मतलब एकदम टॉप ऑफ द लेवल रोड है। तो चलो चलते हैं। और उसके पहले जहाँ दिखाया था 11,000 रुपये दिया दो गाड़ी का, उसके बाद फिर से 2,240 रुपया देना पड़ेगा, तो देना पड़ा 2,240 रुपये, क्योंकि वो लगेगा फॉरेस्ट का एंट्री फी, हर एक पर्सन का 120 रुपया और गाड़ी का 400 रुपये, एक गाड़ी का 400 रुपये ये देना पड़ेगा उधर। तो उधर हम लोग पे करके टिकट काट के फिर फॉरेस्ट के अंदर है। ये है सिंगालीला नेशनल पार्क। अभी फॉरेस्ट का गेट के अंदर से हम नेशनल पार्क के अंदर आ गए। ये पूरा नेशनल पार्क है सिंगालीला नेशनल पार्क। तो चलिए चलते हैं, चलते चलते और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं सांदगुफू जाके ही दूंगा, इसलिए देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, और वो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक यूट्यूब में दिया नहीं है, किसी का वीडियो में नहीं होगा ये। मतलब 4x4 को लिटरली स्ट्रगल करना पड़ रहा है इधर उठने के लिए। तो छोटा मोटा गाड़ी का क्या हाल होगा, इधर उठेगा ही नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं है उसका उठने का, चांस ही नहीं है उसका। इधर रास्ता इतना पतला है कि दो गाड़ी जाने का जगह नहीं है। ऊपर से वो आ रहा है, ये एक लैंड रोवर आ रहा है, तो हम लोग इधर रुक गए, वो क्रॉस करेगा, इधर ही थोड़ा सा जगह है, ऊपर जाके जगह नहीं है। और ये है विंटेज लैंड रोवर। ये शायद टुंगलुंग या टुंगलिंग कुछ होगा, मुझे नाम ठीक से नहीं पता, लेकिन व्यू देखो, व्यू देखो, सिर्फ व्यू, जस्ट व्यू देखो, पूरा रेंज कांचनजंगा का पूरा रेंज दिख रहा है इधर से, एकदम पूरा, मतलब इसको देखने के बाद पैसा जितना भी खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको देखने के बाद सब वसूल हो गया, सब वसूल हो गया, एकदम सब वसूल हो गया। तो मतलब इसको देख के फोटोग्राफी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो सब फोटो में बिजी है, सब लोग उधर चले गए, सब उधर फोटो खींच रहा है, हम लोग इधर फोटो खींचे हैं। और ये सब फोटो कहाँ आएगा, इंस्टाग्राम में। तो क्या करना होगा फोटो देखने के लिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो GOU TRIPLE R भी गौरव, इधर ही कहीं आ रहा होगा, देख लो और फॉलो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे गाड़ी का ड्राइवर का लिंक सब कुछ मिलेगा, गाड़ी का नंबर, गाड़ी ड्राइवर का नंबर, कितना खर्चा है, पूरा वीडियो, इस पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आएगा, तो गौर से देखो वीडियो पूरा देखो। अभी निकलेंगे इधर से, चलो ये अभी हम लोग पीछे गौरीबास चेक पोस्ट पार किए, उधर पे चेकिंग हुआ, टिकट दिखाया, अभी हम उठ गए गौरीबास से ऊपर की तरफ। और रास्ता देखो, रास्ता मैं दिखाता हूँ सामने, मतलब सिर्फ बोल्डर है और कुछ नहीं। रास्ता कहाँ है, रास्ता ये देखो सामने देखो, एडवेंचर, दिस इज एडवेंचर, दिस इज रियल एडवेंचर। 4x4 लिटरली थक रहा है इधर उठने में, 4x4 को दिक्कत हो रहा है। ऐसा ही चलेगा 13 किलोमीटर तक, सांदगुफू तक ऐसा ही रास्ता है। ये बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा, और टर्निंग देखो, स्टीफ देखो, स्टीफ कितना स्टीफ देखो, कितना स्टीफ, मतलब कुछ भी, जस्ट कुछ भी। और इधर का व्यू देखो, ये देखो बादल, बादलों की तरह फिर से हो गया चालू,
कैमरे को अभी अंदर घुसाता हूँ, कभी गिर जाएगा तो सब बर्बाद। हम लोगों ने आज पूरा फ्लाइंग एरो उड़ता तीर ले लिया हम लोगों के पीछे, एकदम तीर उड़ के आके हम लोगों के पीछे लग गया। ये रास्ता देख के ऐसा ही लगता है, मतलब ये रास्ता नहीं है, ये जहन्नुम का रास्ता है, जहन्नुम। अभी इंडिया क्रॉस करके नेपाल में अंदर आ गए हम लोग, तो टेक्निकली ये हमारा इंटरनेशनल टूर हो गया, पहला इंटरनेशनल टूर। हमने आप कोई बोल नहीं सकता कि इंटरनेशनल नहीं किया, हम गए इंटरनेशनल। इधर नेपाल का टोल टैक्स देना पड़ेगा, इस रास्ते का टोल टैक्स, लिटरली इस रास्ते का टोल टैक्स देना पड़ेगा हमको। ये है हाँ दे रहा है वो, ये है नेपाल में, हम लोग हैं नेपाल में अभी, वी आर इन नेपाल इंटरनेशनल। हाँ वैक्सीन कार्ड है तो इधर वैक्सीन चेक होगा, आईडी चेक होगा और टोल टैक्स देना पड़ेगा 50 रुपीज़ का। तो इंटरनेशनल राइडर हम बन गए, नेपाली राइडर। ओ मचा, इस बात पे एक लाइक ठोको, लाइक स्टीपे नाम आ दी हमारे। एक चीज देखो, अच्छा फाइनली हम लोग पहुंच गए सनराइज होटल, ये हमारा आज का स्टे इधर सनराइज में। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो देखने के लिए तैयार हो जाओ, चलो दिखाते हैं। ये देखो सामने क्या है, ओ पूरा रेंज है कंचनजंगा का, इतना बड़ा कंचनजंगा, लाइफ में फर्स्ट टाइम, लाइफ में फर्स्ट टाइम है ऐसा। देखो सिर्फ, मतलब मेरे पास जूम लेंस नहीं है इसलिए और जूम नहीं कर सकता, लेकिन मतलब खुली आंखों से जो दिख रहा है एकदम माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, दिल खुश हो गया इधर आके। ओह तो इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, डिसलाइक तो करने का ऑप्शन नहीं है, लाइक ही करना है इस व्यू के लिए, और क्या चाहिए। तो अभी चेक इन करते हैं होटल में, लंच करना है, भूख बहुत लग गया, चलो फिर से मिलेंगे बाद में। तो ये है हम लोगों का सनराइज होटल का बंकर रूम, 16% का ये रूम है, इधर 16% रह सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे बंकर रूम है, मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, 16% आराम से इधर रह सकते हैं बड़ा। और इधर है बाथरूम, ये एक वेस्टर्न, इधर एक इंडियन, और इधर वॉश बेसिन के लिए, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बढ़िया है एकदम। अभी जाएंगे लंच करने, तो चलो लंच करने जाते हैं। तो ये है कॉरिडोर, इधर सब अगल बगल रूम है, और अभी जा रहे हैं डाइनिंग की तरफ, और यही है डाइनिंग कम रेस्टोरेंट कम रिसेप्शन, इधर रिसेप्शन है सनराइज होटल का, और यह है रेस्टोरेंट। हम लोग इधर आज लंच करेंगे, बुफे सिस्टम का लंच है, और इधर है बार, किसी को जाना है तो बार पे भी आ सकते हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग अभी लंच करेंगे। और सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, ये देखो लंच करते करते इधर से दिखेगा कंचनजंगा का फुल रेंज का व्यू। तो कैसा लगा सनसेट, अच्छा ही लगा होगा, बहुत ठंडा है, बहुत मतलब बोल के समझा नहीं सकते हम लोग इतना ठंडा है। ये देखो इधर लाइनर, दो लाइनर इधर दो है, ये देखो नीचे वाइट दिख रहा है, और ये दो लगा दिया लाइनर, ठंडी से जान जला है, मतलब कुछ बोलने का बोला ही नहीं जा रहा है। तो इस तरह ठंडी है इधर, मतलब इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब जितना है सब, मतलब सब्सक्राइब बटन को तोड़ फोड़ डालो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कर दो जितना करना है सब कर दो। ओह बहुत ठंडा इधर। और तो जो मेन डिटेल्स था मैं देना चाहता था आप लोगों को, वो है कि सांदक मने भंजन से सांदकों पर अगर आना है तो
सुबह सुबह आना है, सुबह सुबह 8 बजे के करीब आपको पहुंचना है मानवेंजन में सिंगालिया नेशनल पार्क का जो लैंड रोवर एसोसिएशन है उधर बुकिंग के लिए। उधर आके आपको बुकिंग करना है, किसी ड्राइवर से बुकिंग नहीं करना है, किसी एजेंट से नहीं बुकिंग करना है। जो गलती हम लोग कर चुके हैं, हम लोग ड्राइवर से बुकिंग किया था, बाद में जब ड्राइवर बोला आप लोग 10 बजे आ जाइए आपका गाड़ी रेडी हो जाएगा, ठीक है हम लोग रेडी हो गया। 10 बजे हम लोग फ़ोन किया तब बोल रहे नहीं गाड़ी तो लेट होगा, आप लोग बुकिंग काउंटर में जब गया तब और भी 2 घंटा हम लोगों को लेट करना पड़ा इस गाड़ी के लिए, फिर गाड़ी मिला, मतलब सब वैसे ही। तो बुकिंग और उधर पता चला किसी के साथ बुकिंग नहीं करना है, सीधा काउंटर से आके बुकिंग करना है गाड़ी। और सुबह सुबह आइए, ये कंचनजंगा का व्यू, मतलब इसे देख के सब पैसा वसूल, इतना खर्चा किया लगभग 5500 रुपया गाड़ी का भाड़ा है, और भी बहुत कुछ देना पड़ेगा टिकट विकेट सब मिला के। हाँ लेकिन आप एक चीज़ फ्री में कर सकते हो, वो क्या, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करो, ये फ्री में हो जाएगा, गौरव स्टडी को सब्सक्राइब कर लो तो ठीक है। और हम लोग जो इधर होटल में है, होटल या होमस्टे जो बोल लो, ये है सनराइज़ होमस्टे, ये सबसे टॉप प्लेस पे है सर सांदाकफू का, इसके ऊपर कोई जगह नहीं है, तो इधर रहोगे तो मतलब किधर जाने की ज़रूरत नहीं, तो व्यू पॉइंट पर जाने की जरूरत, टेरिस्ट पर चला जाओ सब मिलता है उधर, सब व्यू मिल जाएगा उधर। तो इधर का हम लोगों का पड़ा 1300 रुपया पर हेड, डॉर्मिटरी रूम है, मतलब 16 जन का रूम है, हम लोग 12 जन हैं एक रूम में, बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत अच्छा है, बुफे सिस्टम था, पेट भर के आओ कोई दिक्कत नहीं। रूम तो पहले ही दिखा दिया, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो गौरव डायरी को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, जवान लड़का रहा है बहुत अच्छी। अभी ऊपर से बुलावा आया कि ऊपर में एवरेस्ट दिख रहा है, तो चलो दिखते हैं, अगर दिखता है तो चारिदिक तो जस्ट व्यू देखो, व्यू सिर्फ। और किधर है एवरेस्ट, हमारा एवरेस्ट किधर है, ओह 2 नंबर था प्रथम का, तार पीछे दिख रहा है एवरेस्ट, यह है एवरेस्ट, पूरा बादलों के ऊपर आ गए हम लोग, एकदम बादल के ऊपर। सनसेट हो चुका है उधर, अभी धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाएगा, सांस फूल गया सिर चढ़ने में। तो चलिए वीडियो को, इतना सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गौरव डायरी को। तो मिलेंगे फिर से कल के वीडियो में, अभी टाटा बाय बाय, पूरा सांस फूल गया।